हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज इन माय किचन। तो आज की रेसिपी है मोमोज और मोमोज की चटनी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मोमोज के लिए हमें चाहिए मैदा, कश्मीरी रेड चिली, हल्दी, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, नमक, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, रिफाइंड बारीक कटे प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, उबले हुए सोयाबीन। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन को हम मिक्सी जार में दरदरा पीस लेते हैं। इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। पैन चढ़ाएंगे, उसके अंदर हम तेल डालेंगे। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ये बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। इसी के अंदर ऐड करेंगे सोयाबीन। इसे अच्छे से हम चला लेंगे। इसे हम चला लेंगे अच्छे से। इसी के अंदर ऐड करेंगे हम ये सभी सूखे मसाले, किचन किंग मसाला, रेड चिली पाउडर, चुटकी भर हल्दी, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी के अंदर हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती को भी ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें एक मिनट तक और भून लेना है। स्टफिंग रेडी हो गई है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। मोमोज के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा में हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्का हल्का पानी डालकर मैदा को हम गूंथ लेंगे। इस तरह से हमें आटा को गूंथ लेना है। इसे हम 10 मिनट में रेस्ट पर छोड़ देते हैं। आटा भी रेस्ट ले चुका है। अब इसके हम छोटी छोटी पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से पेड़े बना लेंगे। इस पर हम फिलिंग को भर देंगे। इस तरह से हम बना लेते हैं। इस तरह हम सभी मोमोज को बनाकर रेडी कर लेते हैं। एक पतीले में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इस पर एक जाली वाली थाली रख दी है, उस पर मैंने तेल लगा दिया है। अब इस पर हम मोमोज को डाल देंगे। इस मीडियम फ्लेम पर ढककर 15 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए हम मोमोज की चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ टमाटर को उबाल लिया है और लाल मिर्च को भी उबाल लिया है। अब इसके हम छिलके को उतार लेते हैं। इस तरह सभी छिलके हम उतार लेंगे। टमाटर और लाल मिर्च को हम मिक्सर जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसके अंदर हम लहसुन और अदरक डालकर भून लेंगे कुछ सेकेंड तक। अब इसी के अंदर जो मैंने पेस्ट बनाया है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे।
अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये रेडी हो गई है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक बार फिर से पीस लेंगे। तो देखिए मोमोज डबल हो गए हैं, मोमोज अच्छे से रेडी हो गए हैं। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। इसे मैंने मोमोज चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।